हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज कन्नू को फिर माँ तैयार कर रही है, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं उठा ही नहीं था तो मैं सो ही रहा था। और कन्नू ना आज गुस्से से तैयार हो रहा है, रोज़ की तरह, जैसे रोज़ होता है कि मेरा जाने का मन नहीं है। बच्चे का स्कूल जाने का मन होता नहीं है, पता नहीं क्यों क्यों रहता है दुखी कि स्कूल जाने का मन नहीं होता है। स्कूल में हम तो बहुत अच्छे अच्छे खेल के जाते थे, मन लगता था खूब बड़े तरह से। और वाणी का इसी सामान लाला का दे रही है, तैयार करवा रही है। अभी इसके लिए सैंडल लेके आई है, अब पहले टाई लेकर आई थी, फिर बेल्ट लेकर आई थी, है ना। सब चीज़ इसको ला के दे रही है, इतनी हेल्प करती है वाणी का माँ की, सुबह सुबह बहुत हेल्प करती है। अब वाणी का कह रही है कि इसका तेल लगाना है मुझे, तेल मम्मी जबकि लगा चुकी है, पर वाणी का अपने हाथों से तेल लगाना चाह रही थी। पहले फिर भी थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से वैसे लगा दे, बाल बाद अपने हाथों से बाल बाद दे दे, क्योंकि वाणी का जब तक कुछ काम नहीं करती ना अपने हाथों से, ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ किया है। ये सारा काम अपने हाथों से करना चाहती है। कन्नू भाई को तैयार करके भेजना, तैयार करना, तेल भी लगाती पर तेल मम्मी लगा चुकी है। हाँ चलो, वाणी का अपने बाल भी बालो बाबू, वाणी का बाबू अपने बाल भी बालो, वाणी का हाँ बाल खो दिए इसके भाई के। माँ कह रही है कि भाई के बाल खो दिए है नहीं, मैं ये माँ की बात भी नहीं मानती, माँ को मैंने कर देती है, मैं करूँगी। देखा पहले से पहले लेके चल दिया, जबकि इसका ना अभी बैग आया ना अभी इसका लंच आया, और गाड़ी आ गई है। अगले बैग कहाँ, वाणी का बैग तो बैग लेके आओ, मम्मी लेके आओगी बैग तो कह रही कि बैग मम्मी ले आएगी, लंच में मम्मी ले आएगी, हम स्कूल में जाके बैठते हैं। है आज ब्लॉग की शुरुआत शाम के 6 बजे से हो रही है, क्योंकि सारा दिन इतना बिजी रूटीन था ना, बहुत ही ज़्यादा। सुबह साफ सफाई की, झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद देखा गया एकदम से पटापट पटापट बारिश होने लगी, तो फिर पोछा इसी वजह से नहीं लगाया, तो शाम के समय पोछा लगाया है। फिर मैंने खाना वाना बनाया और कन्नू को लंच दे करके तैयार करिए, और फिर जब तक उसकी गाड़ी आ गई थी, फिर उसके बाद में उसके पापा गए अपनी ड्यूटी, बारिश में ही चले गए थे वे, तो बारिश कभी रुकने का इंतज़ार नहीं किया उन्होंने। तो अब जा करके काम निपटाया सारा का सारा, झाड़ू पोछा सारा फर्श धोया है, सारा फर्श यहाँ से लेकर वहाँ तक परे तक बाहर तक धोया है। तो कमरे में ही साफ सफाई की थी, और ये देखो अपने ट्राईबोर्ड लगा के गया है यहाँ पर के, कि मैं यहाँ से फ़ोन देखूँगा, मम्मी प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे देना। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं फ़ोन मिलेगा, बहुत देर हो गई, फ़ोन देखते देखते आधा घंटा हो गया था उसको देखते देखते। तो अब मंदिर में मुझे पूजा करनी है, अब तक मैंने शिव पुराण पढ़ी है, शिव पुराण पढ़ने के बाद में यहाँ पर रख दिया मंदिर में किताब, तो अब बस पूजा करेंगे। तो यहाँ पे बैठ के पढ़ी थी वो शिव पुराण, और पोछा लगाया था मैंने, झाड़ू लगाई थी पहले, और फिर शाम के टाइम की साफ सफाई। और कल हमने जो जमे तोड़े थे वे तो बिल्कुल वाइट हो गए, क्योंकि कल तो धूप थी, देखो कितने सुंदर हो रहे। और आज का जो जमे तोड़ रखे ना, आज का थोड़ा हल लाल रंग है, देखो बिल्कुल भी धूप धूप होने का कितना फ़र्क पड़ता है, जमों पे भी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। और जो मैंने है ना, जो घी घी लगा करके कढ़ाई रखी थी ना मांझ करके, ये देखो इससे भी जल लग गया, नमी का है सब कुछ। तो ये कढ़ाई मैंने इसलिए रखी थी, मैंने कहा साफ सुथरी है तो भूस वाले में रखने से सेफ नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ। इस खाट पे मैंने चादर डाल दी है, चादर डाल करके गद्दा डाल करके। तो बस अभी चारपाई भी सारी की सारी बाहर निकाल दी थी, क्योंकि फर्श अंदर का भी धोया था, बाहर का भी धोया था। और ये देखो जी कितनी अच्छे तरीके से चारपाई लगा रखी है यहाँ पे। और अब मम्मी बैठी हुई है बाहर, कन्नू। और आज बारिश बहुत ही धुआंधार आई थी, पौधों का भी ये देखिए क्या बुरा हाल हो गया यार। आज तो एक मतलब एक छोटा सा करेला आया था और वो भी टूट गया ये देखो ये टूट गया करेला, ये है ना थोड़ा लंबा था, और ये बारिश में टूटा, पता नहीं किसी से टूटा, ये बेल लगाते हुए टूटा। और एक और आ रहा, इससे भी छोटा करेला आ रहा, और ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करेले आ रहे हैं। तो काफ़ी दिनों जल्दी है आपको करेले की सब्जी इसी की करेले की सब्जी इसी की खाएंगे। और ये जो जाल पूरा ना बहुत ही अच्छे के लिए पूर दिया, पता नहीं करेले टूटेंगे, बच्चे बहुत एक्साइटेड है। कन्नू करेले की सब्जी खाओगे? हाँ जरूर खाएगा करेले। इतने इतने से करेले तोड़ के बना दो। नहीं, इतने इतने से करेले कैसे तोड़ के बना दूं मैं? वेदांश टूट गया है तो बेटा, चलो छोड़ दो इसको, इसने तोड़ा वाणी ने। भाई अपना बनियान नीचे करो, खुजली हो रही क्या? हाँ ना, हाँ ना, हाँ। और इस वाले पे तो इतने सारे फ्लावर आ रहे, बहुत सारे फ्लावर, सोच रहे थे शिवलिंग पे यही चढ़ाए जाए। तो ये वाले मम्मी केत के फूल आ गए,
फोन ये वाले चलाए जा। अच्छा तो इस पे फूल आ रहे हैं, अब यहाँ से लेके जाग रहेंगे फूल मंदिर में, क्योंकि है ना मंदिर में फूल कहीं नहीं ढूंढे मिलते, तो एक करेले की बेल इसमें भी जमगी करना। कितनी खुशी की बात है ना, सारे करेले करेले की बेल जमा दी और बढ़ने लग रही है ये ऊपर की ओर करेले की बेल। कन्नू बेटा हट जाओ, और इसको देखो ये मेरे साथ आटा लेके आई थी, और कहाँ कहाँ चिपकाया जा रहा, कभी हाथ पे चिपकाया जा रहा, कभी पैर पे चिपकाया जा रहा, कभी मुंह पे चिपकाया जा रहा। बच्चे सारी चीज़ों को खेल मानते हैं। वहाँ पे मेरा चकला बिल्ला उठा के बैठ गई थी, आटे में सारे को इधर उधर हाथ कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा आटा दिया था इसे। वाणिका बेटा आटा दियो। वाणिका को छोटी सी डोल को ले रही है और कह रही है बुबू बुबू बुबू। वाणी से पूछो तो मैं हूँ। अच्छा जी, वाणी से छोटे हो आप, कितने छोटे हो? देखो तो वाणी कल स्कूल जाएगी। कन्नू आप जाओगे स्कूल? हाँ। देखो मैं कितना बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया? आजकल कन्नू क्या हो रहा आपके साथ में? कन्नू की और मेरी काफी देर से बात चल रही है और पढ़ाई भी हो रही है। मम्मी आज मैं पापा को सरप्राइज दूंगा। ठीक है, सरप्राइज देगा कन्नू आप आज अपने पापा को। भैया है ना मेरे साथ लेट ही पढ़ता है, तो आज इसने 8 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके पापा नहीं आए हैं, और ये कह रहा था कि आज पापा को सरप्राइज भी दूंगा और आज आप बहुत खुश होंगे ना। मैंने कहा हाँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज कन्नू ने खुद से ही कह दिया है पढ़ने के लिए। कन्नू अच्छा बच्चा बन गया और राइटिंग भी पहले से बहुत बहुत ज़्यादा सुधार है इसकी राइटिंग में। पहले तो ये लिख भी नहीं पाता था, समझ भी नहीं पाता था अपनी राइटिंग को खुद से, और एक कॉपी का तो मैंने इसको लिख के दिया है सारा का सारा, क्योंकि इसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब ये लिखता है ना, पहले लिखता था, अब तो लिख लेता है, समझ में भी आ जाता है, मेरी भी समझ में आ जाता है और इसकी भी समझ में आ जाता है, लेकिन पहले बहुत ही गंदी राइटिंग थी इसकी, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें। इस बार भी इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है इसमें। देखिए वर्ड्स, इसके लिखे हुए वर्ड्स कितने सुंदर हैं, और ये कह रहा है कि 1 से 50 तक काउंटिंग में खुद ही लिख लूँगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और नंबर्स नेम इसके मुझे ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसके नंबर्स नेम अभी तक 50 तक लर्न नहीं हुए हैं, हुए नहीं है ना। जल्दी जल्दी करो बेटा, बहुत सारा वर्क है, सारे सब्जेक्ट में वर्क है। ये देखिए इन सारे बुक्स में इसको काम करना है, हिंदी की बुक में, हिंदी की राइटिंग में भी बहुत सुधार है, पहले तो इससे लिखना भी नहीं आता था। लेकिन बंटी हाथ मुँह धोने के लिए नहीं मानती, और सपने में रेत के किले पर कीटाणु हमला कर देते हैं, क्योंकि अब ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिख रखा, क्योंकि कीटाणु उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जान साबुन राजा बबली बचाती है। किस तरह, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन है ये, इसको ही समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने तो चैप्टर की रीडिंग नहीं की है। इसने रीडिंग की होगी ना कन्नू, आपने रीडिंग की है? मेरे भी याद नहीं हुए। याद नहीं हुए, आज लर्न करके जाना है, कल को मैम पिटाई बनाएगी नहीं तो। ठीक है, पिटाई तो मेरी रोज ही होती आ रही है। रोज ही होती आ रही है, फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी होगा कि आप पीरियड में पिटाई, एक पीरियड में क्लैपिंग। चलो ठीक है, जल्दी करो अपने होमवर्क। देखो 30 तक ही हुए, अभी तक 50 तक हुए नहीं है, जल्दी जल्दी करना है। इतना टाइट मत पकड़ा करो पेंसिल को, हल्का पकड़ा करो। ठीक है, आज बारिश की वजह से ना हम प्लॉट पे भी नहीं जा पाए बिल्कुल भी, हमने सारा दिन जमे तोड़े हैं और जमे तो हमने बहुत सारे तोड़ दिए आज, सच में ऐसे तोड़ 3-4 दिन तक खाने के लिए काम आएंगे। कन्नू को सुबह के टाइम बना करके भी देती हूँ मैं, क्योंकि इसको जमे बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठे वाले। पापा पापा मुझे भी दे दियो भाई। चलो चलो पढ़ाई करो। 35, अब 35 का नंबर आ गया, जल्दी करो। 35 34। हाँ आपको क्या कह रहा था, ये पढ़न क्यों देते आप इसे, जब भी ये पढ़ने बैठे जब भी आ जाते हो आप। अभी अभी आया ड्यूटी से 8:30 बजे। 35 हाँ 36 कैसे आएगा बैकवर्ड काउंटिंग में? 37 कैसे आएगा? 38 कैसे आएगा? उल्टी गिनती लिखनी है, 35 से पहले क्या आता है पता नहीं काउंटिंग फिर पक्के से याद नहीं है बेटा।
35 से पहले क्या आता है? 4 34 आप भी आ गए पढ़ने के लिए, चलो पढ़ो। ए खुल गई, बचा ली, गिर गई थी अभी। लिखो ए, वाणी का अच्छे से पेंसिल पकड़ो बेटा। अरे मेरा बेबी तो गिरी गया था अभी, बहुत मुश्किल से पकड़ा। आए जीजी पापा, अच्छी लगी आपको? कैसी लगी है कैसी लगी है? आज वानिका को शर्ट पहना दी है कन्नू वाली। कन्नू की ये शर्ट मैंने उठा के रख रखी थी, क्योंकि मच्छर काटते हैं ना शाम के टाइम, पूरी बाजू के कपड़े होने चाहिए। और आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भाई, हल्का सा पंखा चला रखा, बिल्कुल ही हल्का सा। कन्नू भी नहीं देगा, वाणी भी नहीं देगी, कोई नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं देगा। टेंगे 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 टेंगे। हाँ देहरादून पापा देंगे।